आप तमाम यहाँ पे जमा हुए हैं मिलन फंक्शन हॉल में, इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? टाइस सेरेमनी है आज, जो कि मिला सीज़न 8वें थे, ये 9वां सीज़न खिला रहे हैं हमें, तो आज यहाँ सारे पूरे मेंबर्स जमा हुए हैं MMCA के। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि पिछले जो गुज़िश्ता सालों में जो खिलाया था उससे भी बेहतर खिलाने की, और भी हमारी सोच है कि टूर्नामेंट और भी अच्छा हो, इसके साथ से भी अच्छा हो, कोशिश सारों की यही है, वही सोच के खिलाना चाहते हैं। कितने टीम्स पार्टिसिपेट करना है? पिछली साल की तरह 24 थे, इस साल भी 24 है, लेकिन इस साल और भी बहुत सारे नाम दिए थे, लेकिन जो शेड्यूल के हिसाब में खिला नहीं सक रहे हैं, तो फिर वही 24 टीम खिला रहे हैं। सर, टीम्स पूरे मैसूर के हैं या बाहर से भी आए? काफ़ी तो मैसूर के हैं, और बैंगलोर के हैं, विराजपेट के हैं, चंदापट्टनम के हैं, चामराजनगर, कोलेगाल, तो बहुत सारे टीम बाहर के भी हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि सारे मिलकर खेलेंगे। सर, जो टीम्स बाहर से यहाँ पे मैसूर में खेलने के लिए आएंगे, क्या उनको रुकने के लिए या रहने के लिए कुछ इंतजाम ऐसा कुछ है? हाँ, नहीं, वो तो इंतजाम नहीं है क्योंकि सारे नज़दीकी हैं, लेकिन एक शेड्यूल है, तो वो शेड्यूल के हिसाब से खिलाएंगे, तो कोशिश यही रहेगी कि उनको आसानी से खिलाएं, आसानी से खिला कर भेजें। पिछले साल भी खिलाया था लेकिन कोई तकलीफ नहीं हुई थी, इस साल भी वही कोशिश रहेगी कि ऐसी तकलीफ नहीं होना करें। मैचेस किस ग्राउंड पे कंडक्ट होंगे सर? ऑलमोस्ट सारे मैचेस पूरे पेविलियन में खिला रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी पेविलियन, तो वहीं पूरे मैचेस होंगे। कब से मैचेस शुरू होने वाले हैं? इंशाल्लाह टाइमिंग तो आ गई है, या डेट तो आ गई है, लेकिन फिर एक दिन इधर उधर हो सकती है। 18 की डेट है हमारी, लेकिन अगस्त 18 इसी मंथ 18 में अगर एक दिन इधर उधर हो सकता है, 18, 19, 20 हो सकता है, लेकिन 20 से तो स्टार्ट हो जाएगी हमारा। सर, वेदर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, वो तो हमारे हाथ में ही नहीं, हमारी कोशिश तो यही रहेगी, अल्लाह से दुआ यही रहेगी कि अच्छी हो, तो वेदर अच्छा हो, सारे जो भी टीम्स आते हैं मैचेस अच्छी तरह खेलें, मज़ा लेके खेलें, तो वही सोच रहेगी हमारी। सर, विनर्स के लिए क्या है सर? पिछले साल के जरा हमारे यहाँ तो किसी को प्राइज मनी तो है नहीं, वो तो पैसे से तो हम खिलाते नहीं है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तो रहता है, अच्छे से अच्छा जो भी है वो हम बेहतर से बेहतर देंगे। वो सर, आज कौन कौन से गेस्ट यहाँ पे टाइस के लिए आने वाले हैं सर? क्योंकि नाम तो ले नहीं सकते, बहुत सारे गेस्ट को तो बुलाए हैं, इंशाल्लाह अभी वो आएंगे थोड़ी देर में, तो अभी वो टाइस सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। सर, पिछले 8 सालों से जो आपने ये टूर्नामेंट करते आ रहे हैं, और ये जो है आपका 9th सीजन है, तो इसमें आप स्पेशली क्या चीज़ पर जो है जोर देना चाह रहे हैं? नहीं, हमारी कोशिश तो यही रहेगी, सारी टीम वाले जो सारे जो हमारे मेंबर्स हैं MMCA के, सारे अच्छी तरह कोशिश करते हैं, हमारे में एक मिलाप रहता है, तो वही सोच के खिला रहे हैं,
तो कोशिश यही रहेगी कि ये साल जो खिलाया है ना, जो पिछले साल और अच्छा खिलाएं, वही कोशिश रहेगी। सर दुआ करो आप सभी सब मिलके खेलें। अंपायर्स के बारे में कुछ बताओ सर। अंपायर्स तो पूरे केएससीए के रहते हैं, तो अंपायर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, इनको नहीं बुलाते हैं, अंपायर केएससीए के रहते हैं। तो आने वाले दिनों के लिए हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में है, हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद नूर मोहम्मद मिलाद मैसूर मुस्लिम क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, और ये हमारा नवा सीज़न है। माशाल्लाह से अब तक जितने भी सीज़न चले हैं, मतलब 8 सीज़न हुए हैं हमारे, और हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन खिलाने की कोशिश रही, और हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट भी रहा और तरक्की रही। और अब हम यही चाहते हैं तमाम टीमों से कि वो डिसिप्लिन के साथ खेलें और हमें कोऑपरेट करें, ताकि हम एक बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकें, और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में, अगले सालों में इससे बेहतर करने की कोशिश रहेगी। और इट्स ऑल डिपेंड ऑन द टीम्स हाउ दे कोऑपरेट। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि तमाम साथी जो है एकजुट होकर खेलेंगे और इस टूर्नामेंट को बेहतरीन और कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट पर ही आप क्यों जोर देते हैं? इसलिए कि जितने भी MMCA के हमारे मेंबर हैं सब क्रिकेटर्स हैं, इसी वजह से जी हम लोग सबके सब क्रिकेटर्स हैं सर। और एक बात यह है कि क्रिकेट फेमस गेम है, क्रिकेट वेल नोन गेम है, तो इसके लिए क्रिकेट पे जोर दे रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी दूसरे स्पोर्ट्स खिलाएंगे बोल के है इरादा, इंशाल्लाह ये सबका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह वो भी खिलाएंगे। अगर आने वाले साल रहा तो इंशाल्लाह हम लोग और दूसरी चीज़ों पे फोकस करेंगे, क्योंकि क्रिकेट इंडिया में जो है बहुत ही माना हुआ गेम है, और यहाँ का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लड़की हो, औरत हो, कोई भी हो, सब क्रिकेट से वाकिफ हैं और ज़्यादातर जो है क्रिकेट ही को देखते हैं। तो इस बिना पर हम लोगों ने जो है ये इनिशिएटिव लिया था, और इंशाल्लाह अगर साथ रहा आप तमाम हजरात का, तो अगर अल्लाह ने चाहा तो आइंदा दिनों में दूसरे स्पोर्ट्स पे भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो क्रेज ज़्यादा होने की वजह से आप क्रिकेट के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पिछले 8 सालों से लगातार मिलाद क्रिकेट एसोसिएशन मैसूर जो है वो क्रिकेट खिलाता आ रहा है, ये सीज़न 9 है। आज यहाँ पे जो है मिलन फंक्शन हॉल में टाइस का मौका है, इस मौके पर आप यहाँ पे एक खसूसी मेहमान की हैसियत से आए हुए हैं, इस मौके पर आप इन लोगों को क्या कहना चाहते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह मिलाद क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से सीज़न 9 जो T20 लीग जो मैच का इंतज़ाम करने से पहले जो फॉर्मेलिटीज़ का जो टाइस होता है, उसका आज एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। बहुत सालों से मैं भी इस क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ जुड़कर हूँ, इनका टाइस हो, इनका मैच हो, या इनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो, लगातार मुसलसल इनके साथ जुड़कर हूँ। माशाल्लाह मैं देखो कोई भी काम मुसलसल करना एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक बेटर तरीके से, और हर साल एक इम्प्रूवमेंट के साथ जो करना, ये बहुत मुश्किल का काम है ऑर्गेनाइज। उसमें भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट एक बेहतरीन तरीके से जो ऑर्गेनाइज करती, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक कमिटेड एक टीम वर्क है मिलाद क्रिकेट एसोसिएशन का, एक एंथुजियासिस्टिक टीम है, इनो हर चीज़ में आगे बढ़कर काम करती। बस मैं मुबारकबाद देता हूँ, हर साल जैसा एक बेहतरीन तरीके से ये जो T20 लीग चलता था, ये साल और बेहतर तरीके से चलना है इंशाल्लाह। मैं दुआ भी करता हूँ, और तमाम जो क्रिकेट एसोसिएशन का, मिलाद क्रिकेट एसोसिएशन का टीम का जितने भी कमिटीज़ हैं, मेंबर्स हैं, इसका सदर साहब हैं, तमाम लोगों को, और स्पेशली जो स्पॉन्सर्स हैं, ये क्रिकेट जो खिलाने में बहुत सारे स्पॉन्सर्स इसको सपोर्ट करते हैं, ये तमाम लोगों को मुबारक देता हूँ। उसके साथ साथ जो प्लेयर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ऐसा जो मैचेस खेल खेल के ही जो खिलाड़ी को तजुर्बा होता है, और हायर क्रिकेट चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल, अगर स्टूडेंट हो तो यूनिवर्सिटी लेवल में, या दूसरा स्टेट लेवल या स्टेट लेवल या रणजी या उसको ऊपर भी करना पड़े, तो ऐसा एक क्रिकेट मैच में लगातार मुसलसल काम कर मुसलसल इसमें शिरकत कर प्रैक्टिस कर आगे जाना है। तमाम लोगों को और एक बार मैं मुबारक देता हूँ। हर साल मैं प्रोग्राम्स अटेंड करता हूं, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए मैं वक्त से पहले आकर यहां रहने की, यहां लोगों की खिदमत करने की, क्योंकि मैं फखर के साथ कहता हूं
कि ऐसा टूर्नामेंट, मैं भी बचपन से टूर्नामेंट खिलाता आया हूं और मुझे भी क्रिकेट खेलने से, खेलना तो नहीं होता, खेलने से ज्यादा खिलाने में बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए अच्छे रहता है। इस वजह से मैं टूर्नामेंट का शौकीन रहा हूं। लेकिन जो इन लोगों का टूर्नामेंट, जो इनका डिसिप्लिन और इनका गोल की जो क्रिकेट खेली जाती है, हमारे एक्स-एमएलए वासु साहब जो हमारे बीच में नहीं रहे, मुझे अक्सर बोला करते थे, सूरज ये मिलाद का जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, मुझे वहां इन्वाइट करें या ना करें, मुझे लेके जाओ, क्योंकि